बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग चलने वाला है और मैं चलने वाला हूँ एक अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कैमरा भी ऑपरेटिंग में ही कर रहा हूँ, मेरा कैमरा मैन अभी नहीं आया, फ़ोन किया है रस्ते में मिल जाएगा। और जो हमारे कैमरा मैन मस्त वाले ऐसा जितना भी वीडियो का क्रेडिट होता है मेरे हिसाब से तो इनको जाना चाहिए, लेकिन इनकी कैमरा मैनिंग इतनी मस्त है बहुत। और ये मेरे साथ में रहते हैं, हमारा गाइड करते हैं हमको। और साथ ही साथ आज का ब्लॉग एक बहुत ही मस्त ब्लॉग बनने वाला है और बने रहिए सर जी हमारे साथ में। अगर हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद ना आए तो कसम से मैं आपका डाटा वापस कर दूंगा, क्योंकि आज इस ब्लॉग में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद मैं उस लोकेशन में पहुंचा हूं। वो लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी भी काफ़ी दूरी पर है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना रास्ता में आपको इंट्रो करा दिया जाए, इसलिए आ गया हूँ मैं। और बने रहिए साथ में हमारे और देखते हैं कैसे ही लगती है लोकेशन आज का ब्लॉग कैसा लगता है। तो गाइस मैं निकल चुका हूं अब अपने उसी ब्लॉग पर जहां तक मुझे जाना था, अब पहुंचने वाला हूं कुछ ही पलों में। और आपको दिखा रहा हूं यहां का जो जिस ब्लॉग के लिए आया हूं उसी ब्लॉग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आ गया हूँ वहीं पे काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद और अब आपको दिखाने वाला हूँ आपका इस क्षेत्र का नया एक बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर। अगले मारो शूट करो। तो आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे देखता हूँ जो हमारे यहाँ महात्मा जी हैं कहाँ पे हैं और उनसे मिलके यहाँ के कुछ बातें पूछता हूँ। और यहाँ की जो सुंदरता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मैं सुंदरता, लेकिन जो महात्मा जी है महात्मा जी के बारे में पूछता हूँ कौन है कहाँ के हैं महात्मा जी और उनसे कुछ मिलता हूँ। चलते रखिए फाइनली हमको मिल गए यहाँ के एक हमारे बुजुर्ग थे तो उनसे बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मौसम और माहौल भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगा और इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो आप मतलब यहाँ पे यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? पूजा का तो हमें तो बहुत साल है, 30-32 साल है। अच्छा। तो मंदिर जो है अपना काफ़ी पुराना मंदिर होगा, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा लगभग में कितनी वर्ष हो गई होंगी इसको? अरे इसकी कोई अंदाजा ना कितनी साल हो गई है। ये तो ऐसे आप समझो जैसे जंगल में राजा बेन किला बने थे उसी जमाना का किसी समय किसी राजा ने बनवाओ जी। अच्छा। जब महात्मा जी ने जैसे कहा जंगल में जब राजा बेनी के किला बने, राजा बेनी किला की जो वीडियो थी वो डाल दी है और आपने ना देखी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ के बारे में हमारे साथ मिल गए हम और यहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा हमको यहाँ का दिखा दो तो आपका सहयोग होगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा आपके लिए कि कुछ हमें यहाँ की जो कुछ नई चीज़ें हैं, क्योंकि मैं नया भाई पहली बार आया हूँ जी, जानकारी नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं चाहूँगा आपसे अनुरोध करूँगा इस विषय में लेकर कि आप यहाँ का कुछ हमें दिखाएँ। चलो उनके साथ में कुछ यहाँ का देखने के लिए दिखाइए, कुछ मूर्तियाँ दिखाइए। किवाड़ से अंदर रखी हैं और ये रखी हैं और ये उसी समय बनी हुई हैं जिसका जो यहाँ की इमारत बनी है। अच्छा बता रहे हैं काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं लेकिन मूर्तियों की हालत देख के काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ तो मतलब रिपेयर वगैरह होना चाहिए, लेकिन बहुत गलत हुआ है। चलो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो सहयोग हो सकता है तो आप कीजिए, हमारे कमेंट में बताइए। लेकिन इनकी जो स्थिति देख रहे हैं बहुत बुरी लग रही है स्थिति। अच्छा महाराज कुछ और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जी, इनके बारे में कुछ बता दीजिए हमको। क्या बताऊँ मैं बोलो, जैसे कि ये हमारे पड़ोस में मंदिर है। हाँ जी। तो महाराज ये भोलेनाथ ये मतलब ये भी काफ़ी पुराना मंदिर, मंदिर उसी समय बना हुआ है ये सबका जो इमारत बनी और जे भी मंदिर बना हुआ है। अच्छा बाकी जब मठिया भी उसी समय बनी हुई है। अच्छा। दुर्गा माई बारी। एक मिनट। तो इधर दिखाइए, देखिए मूर्ति बनी हुई है काफ़ी पुरानी मूर्ति भी बनी हुई है तो और अच्छा क्या है जा उसी समय बनी हुई है। ये बता रहे हैं काफ़ी पुरानी मूर्ति, यहाँ देख के लग रहा है काफ़ी पुरानी की यहाँ की डिजाइन वगैरह देख के लग रहा है। सब कंगी की थी। अच्छा छोटी छोटी ईंट। हाँ छोटी छोटी कंगी की। अच्छा कंगी वाली ईंट जो छोटी छोटी ईंट होती है उसकी बनी हुई। उसी का मकान बना हुआ है। पूरा मकान उसी का बना हुआ है। चलो और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है वो आपको मंदिर देखिए तो उसके मंदिर के बारे में कुछ देखते हैं। अच्छा ये मंदिर भी बहुत प्राचीन हो और ये मंदिर खस गया। अच्छा हाँ
प्राचीन मंदिर जो हो जो खस गया ये दोबारा बना। ओ, मतलब ये खस के दोबारा इसका रिपेयर वगैरह दोबारा बना गया है। ये दोबारा बनाया गया। अच्छा, ये भी काफी पुराना मंदिर लग रहा है और यहाँ की जो अंदर की अच्छा है उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफी सुंदरता है यहाँ पे। जय भोलेनाथ। तो आप कुछ दिखिए अंदर का, दिखाइए अंदर का कैमरा, अंदर लेकर दिखाओ। ये महाराज खुल सकता है? तो देखिए हम शिवलिंग है और थोड़ा सा हमारे तरफ फोकस करके दिखाइए कैमरा। जय भोलेनाथ। यहाँ पे घंटा भी बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा इको आ रहा है काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है जो इतनी खूबसूरती के हिसाब से बन सकता है। और आज हमारे साथ हमारे जो महात्मा जी हैं इन्होंने भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं हमको यहाँ के बारे में दिखाने के लिए। और ये महाराज मैक्सिमम कम से कम 500-600 साल तो पुराना होगा मंदिर जी। ये मंदिर कम से कम 80-90 साल 80-90 साल पुराना। बाप रे, ये क्यों खत गया मंदिर पुराना, फिर जो नया बनवाया गया। अच्छा, हाँ। और बाकी मंदिर सब पुराने हैं। चलो फिर हम अब चलते हैं बाहर। आज कह रहे थे महाराज आप, साल में 2 बार मेला लगाता है, बड़ा अच्छा मेला लगाता है, बड़ा मान्यता अच्छी है। अच्छा। हाँ, हजारों तो उड़ने रोड चढ़ जा रही है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज यहाँ की ये लग रही है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि बिल्कुल अपने गांव की भाषा है पुराने समय के हिसाब से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बता रहे हैं यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है तो अच्छा, अच्छी बात है मेला लगता है। लेकिन आपको मेला का व्यू नहीं दिखा पाए कि मेला का व्यू जिसने काफ़ी भीड़ होती है तो उसमें कुछ लोग डिटेंशन करते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पास में एक इधर दिखाओ, ये जो पुराना सा मंदिर बना हुआ है ये हनुमान जी का मंदिर लग रहा है हमको। और जय भोलेनाथ, जय हनुमान। और इसका देखिए काफ़ी पुरानी, ये भी महाराज काफ़ी पुरानी मतलब मूर्ति होगी। ये मूर्ति पुरानी नहीं है, ये जल्दी बनी हुई। अच्छा। कम से कम हुई नहीं होंगे सौ 25-30 साल है। ओ, और मंदिर पुराना है। मंदिर मतलब मूर्ति स्थापना मतलब जल्दी हुई है लेकिन मंदिर पुराना है। ये मंदिर इधर दिखाइए, इधर दिखाइए भाई साहब, इधर देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें पकड़ने में आ रही है। और इधर देखिए भाई, और ये सब आपको बता दूं ना, ये छोटी छोटी ईंट से बना हुआ है और बहुत बड़ी दीवार है। और इधर दिखाइए इसके डिजाइन, दिखाइए डिजाइन दिखाइए आपको। और भाई देखिए तो क्या मस्त लग रही डिजाइन है आपकी, और काफी हद से ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूछिए मत, इतना मोटी मोटी दीवार है। तो ये तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब ऊपर चढ़ के इधर प्रसाद चढ़ाने के लिए इस तरह बना हुआ है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। तक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ऊपर से जो अभी मैं आपको दिखा रहा था भाई, इसकी दीवारें देखिए भले कितनी मोटी दीवारें हैं, किस हिसाब से बनाया होगा, क्या बनाया होगा, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। और इधर का भी जो पास में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कुछ मूर्ति वो है। जय भोलेनाथ। और आप दिखाइए कला, ये सफ़ेद पत्थर की बनी हुई लग रही है हमको। और यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी मंदिर बहुत प्राचीन है। हाँ, ये भी मंदिर बहुत प्राचीन है, इसकी दीवारें देख के लग रहा है ये बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है। और इसके बारे में हमने बहुत सी जानकारी ले ली है लेकिन अब आपको हम आपको दिखा रहे हैं एक अच्छा सा व्यू यहाँ पे। और ये व्यू हम दिखाने वाले हैं ऊपर से आपको। तो भाई साहब, मैंने अपना ड्रोन यहाँ पे कर लिया है रेडी, नेट देख रहा हूँ, नेटवर्क और नेटवर्क मिल गया, नेटवर्क मैं फ्लाइंग करने के लिए तैयार हूँ। 1, 2, 3 और मेरा ड्रोन फ्लाइंग कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे अच्छे व्यू मगर ये हमारे साथ।
घूमा है, बहुत कुछ दिखाया है और ये सारे भगवान की कृपा से सभी मंदिर मैंने आपको दिखाया, उसके बारे में जानकारी दी है और कुछ सीन कैसा है जो आप अब आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कि मैं ढाका बंगाल में आ गया हूँ। बिल्कुल बांस ही बांस और नीचे नदी, ये तो ढाका बंगाल की तरह लग रहा है मुझे लेकिन बंगाल नहीं है, इंडिया आया है, यूपी है, सॉरी यूपी है। तो क्योंकि यहाँ की फीलिंग लग रही है कुछ, वहाँ का भी मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जल्दी ब्लॉग दिखाऊंगा ढाका बंगाल वगैरह के, जल्दी आपको लेकर आऊँगा आपके लिए। देखिए कितना पुराना पेड़ और इसकी जड़ें कितनी मजबूत हो गई, धरती तक आ गई हैं, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी सुंदरता ही कुछ अलग लग रही है, अलग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। किसी समय यहाँ पर बहुत पहलवान लोग लड़ाई लड़ते थे आपस में, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मांगता है। हर वीडियो में बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, बोलता रहूंगा जब तक कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे सब्सक्राइब।